हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिक्स फ्लेवर्स किचन। आज हम बनाएंगे ट्रेंडिंग कुल्हड़ पिज़्ज़ा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन बटन भी दबा दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। कुल्हड़ पिज़्ज़ा बनाने के लिए मैंने एक बाउल लिया है। ब्रेड स्लाइसेस को मैंने इस तरह पीसीज में काट लिया है। इसे हम अपने बाउल में डाल लेंगे। थोड़ा सा हम डाल देंगे कटा हुआ प्याज, कटी हुई शिमला मिर्च, टमाटर। आप चाहे तो इसमें कॉर्न्स वगैरह भी डाल सकते हो। थोड़ा सा हम डाल लेंगे कटा हुआ पनीर। इसमें हम डाल लेंगे एक चम्मच पिज़्ज़ा सॉस और एक टेबलस्पून हम डाल लेंगे मेयोनीज। एक चम्मच हम डाल लेंगे चिल्ली फ्लेक्स एंड ओरिगैनो। इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। ये हमने कुल्हड़ लिया है, इसमें हम नीचे अपना ये डाल लेंगे जो हमने स्टफिंग बनाई है मिक्स करके। इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ा सा मोज़रेला चीज। इसके ऊपर फिर से डाल देंगे थोड़ी सी पिज़्ज़ा सॉस। इसके ऊपर फिर से हम अपनी स्टफिंग डाल देंगे। इसके ऊपर हम फिर से डाल देंगे मोज़रेला चीज़। ऊपर से हम सजा देंगे थोड़ा कटे हुए शिमला मिर्च पनीर वगैरह से, टमाटर पनीर, शिमला मिर्च। थोड़ी सी हम डाल देंगे चिली फ्लेक्स एंड ओरिगैनो। अब हम इसे 200 डिग्री पर प्री हीटेड ओवन में 5 से 10 मिनट तक अपना चीज़ मेल्ट होने तक हम इसे बेक कर लेंगे। आप इसे कढ़ाई में भी बना सकते हो। कढ़ाई में स्टैंड पे प्लेट रखकर उसके ऊपर इसे रखकर इसे पका सकते हो। हमारा कुल्हड़ पिज़्ज़ा भी एक हो गया है। हमारा चीज़ अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गया है। आप भी इसे ट्राई कीजिए और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए।